बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी शेफ़ रिजवाना। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ़ कोफ्ता। बीफ़ का कीमा हमने तकरीबन ले लिया 2 किलो। कीमे में डालेंगे हम सुरख मिर्च, नमक, खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का 1 छोटा चम्मच। ग्रेवी के लिए हम प्याज लेंगे 3 से 4 अदद। घी के लेंगे 3 चम्मच। इसके साथ ही लेंगे टमाटर 4 अदद। लहसुन हम लेंगे 2 अदद चॉप किया हुआ। सुरख मिर्च और गरम मसाले का 1 बड़ा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा और नमक 1 बड़ा चम्मच। खुश्क धनिया, धड़ा मिर्च और कलवंजी का 1 छोटा चम्मच। पीसे हुए लौंग 1/2 छोटा चम्मच। काली मिर्च 1 छोटा चम्मच। कम जो मसाला जाते हैं उनको हम कोफ्तों में डालेंगे और इनको मिक्स करके कोफ्ते बना लेंगे। कीमे के अंदर तमाम मसालों को मिक्स कर लें। इसके साथ ही इसको गोल गोल करते जाएँ और कोफ्ते बना लें। सब कोफ्तों का साइज़ 1 ही तरह का होना चाहिए। 1 देगची में ऑयल डालें और इसके साथ ही प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर डाल के तमाम मसाला जार डालें और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना लें। फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म करें और तमाम कोफ्तों को बीच में डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन करना है इन सबको। प्याज और लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब साथ साथ कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और इनको इसमें डाल के फिर मैंने इसका एक अच्छा सा सालन तैयार करना है। कोफ्तों का सालन तैयार है। हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लें। आप भी इसको घर में बनाएं, मुझे कमेंट करें कि ये कैसा बना है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।